हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका आज की इस हॉरर नाइट्स में। तो दोस्तों, क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि सोते हुए आपकी आंख खुल गई हो लेकिन आपका जिस्म कोई रिस्पॉन्स ना दे, मानो जैसे आपका जिस्म पैरालाइज हो गया हो और ऐसा महसूस हो कि जैसे किसी ने आपको ना नज़र आने वाली रस्सियों से बांध दिया है और आपको बहुत ही डरावने ख्वाब आते हैं और आपकी आवाज़ तक नहीं निकलती और आपको महसूस होता है कि जैसे किसी ने आपको जकड़ लिया है और फिर आप अपनी उंगली तक अपनी मर्जी से हिला नहीं पाते, आपको अपनी चेस्ट पर वजन महसूस होता है। तो दोस्तों, ये सिचुएशन आप सभी ने अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो एक्सपीरियंस की ही होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? तो दोस्तों, साइंस इस सिचुएशन को स्लीप पैरालिसिस बोलती है क्योंकि साइंस डीमंस और एंजल्स में यकीन नहीं रखती और हर चीज़ का मटेरियलिस्टिक एविडेंस ढूंढने की कोशिश करती रहती है। तो दोस्तों, साइंस की ज़ुबान में इसे स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं और ये एक ऐसी अबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें आपका दिमाग तो एक्टिव होता है लेकिन वो आपकी बॉडी तक कोई सिग्नल नहीं भेजता, जिस वजह से आप अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाते। अब स्लीप पैरालिसिस के पेशेंट से पूछताछ के वक्त पता लगा कि हेलुसिनेशन के दौरान हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई ईवल एंटिटी हमारे आसपास है या हमारी चेस्ट पे बैठी हुई है। अब दोस्तों, स्लीप पैरालिसिस के बारे में साइंस भी इतना कुछ नहीं जान पाई है और बस सिर्फ इतना ही अंदाज़ा लगा पाई है कि ये सब कुछ हमारे दिमाग में न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से होता है और स्लीप पैरालिसिस का साइंस के पास भी कोई ठोस सबूत नहीं है। और दोस्तों, कुछ लोग तो इस सिचुएशन को साया भी बोलते हैं और जो मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में जितनी भी बातें आप सबको बताई हैं वो सभी बातें लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और ये स्लीप पैरालिसिस और ये साया होने के पीछे दो डीमंस हैं। एक का नाम है इंक्यूबस डीमन, जो कि मेल डीमन है जो औरतों के साथ जिंसी ज़्यादती करता है और औरतों को तंग करता है, और दूसरे का नाम सक्यूबस डीमन है जो कि फीमेल डीमन है, ये मर्दों के साथ जिंसी ज़्यादती करती है और अगर सक्यूबस डीमन का किसी मर्द पर दिल आ जाए तो ये डीमन उस मर्द की शादी तक नहीं होने देती। अब दोस्तों, स्लीप पैरालिसिस की सिचुएशन तो जानलेवा नहीं होती लेकिन कहा जाता है कि इंक्यूबस और सक्यूबस डीमन से बार बार इंटीमेट होने पर एक इंसान की मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है और इस प्रोसेस में कई लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोने पड़ जाते हैं। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि एसाया चैप्टर 34 और वर्स 14 में लिखे हुए लव्स नाइट क्रिएचर को फुटनोट्स में इंक्यूबस और सक्यूबस डीमंस ऐसे ही डीमंस के लिए लिखा गया है, यानी ऐसी ईवल एंटिटीज रियलिटी में सरवाइव करती हैं जो मर्दों के पास औरत बनकर और औरतों के पास मर्द बनकर जाते हैं और इंसानी नस्ल को तंग करते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि डीमंस जो हैं वो शेप शिफ्टिंग होते हैं, वो कभी आपके सामने मर्द की सूरत में आते हैं, कभी औरत की सूरत में आते हैं या कभी किसी जानवर की सूरत में आते हैं, क्योंकि डीमंस अपनी रियल फॉर्म कभी रिवेल नहीं करते। इसी वजह से डीमंस शेप शिफ्टिंग करके आपके पास आते हैं और इन शैतानी डीमंस को इंसानों को तंग करके बहुत ही मज़ा आता है। तो दोस्तों, मैलियस मैलिफिकेरम के मुताबिक हम 5 तरीकों से इंक्यूबस और सक्यूबस जैसे डीमंस के अटैक से बच सकते हैं। नंबर 1, एग्जॉर्सिज्म। नंबर 2, सैक्रामेंटल कन्फेशन। नंबर 3, द साइन ऑफ क्रॉस। नंबर 4, विक्टिम को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देना। और नंबर 5, अटैकिंग ईवल एंटिटी से एक्सकम्युनिकेशन करना, जो कि एग्जॉर्सिज्म का ही एक हिस्सा है। अब दोस्तों, ये डीमंस ज़्यादातर उन्हीं लोगों पर अटैक करते हैं जो लोग पोर्नोग्राफी बहुत ही ज़्यादा देखते हैं या किसी को देखकर लस्ट करते हैं या अपने दिल में किसी के लिए हमेशा बस लस्ट ही रखते हैं। ये डीमंस ऐसे ही लोगों पर ज़्यादातर अटैक करते हैं या कोई विक्टिम जो है बहुत ही खूबसूरत होता है या दिखने में अट्रैक्टिव होता है, तो तब जाकर ये डीमंस ऐसे लोगों पर अटैक करते हैं।
अब दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जो स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि सोने से पहले आप लाजमी प्रेयर किया करें और अपना माइंड क्लीन रखें, और जब आपका ईमान मजबूत होता है तो कोई भी ईवल एंटिटी आप पर अटैक नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आप अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।